सारे देश भर के डॉक्टर्स जो इन मरीजों का इलाज कर रहे हैं, उनका आपस में भी सलाह मशवरा होता रहे और उनका ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज न्यू दिल्ली के एक्सपर्ट्स के साथ भी लगातार कंसल्टेशन होता रहे। इसके लिए हमने ये COVID-19 नेशनल टेली कंसल्टेशन सेंटर कॉन्टैक्ट, जिसका टेलीफोन नंबर है 9115444155, इस नंबर के माध्यम से, इसकी बहुत सारी लाइनों के माध्यम से सारे देश के COVID-19 का इलाज करने वाले डॉक्टर्स यहां से भी संपर्क में रहेंगे और ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट के डॉक्टर्स भी क्रिटिकली इल पेशेंट्स को किस प्रकार से हम बेस्ट पॉसिबल तरीके से, जब ज़्यादा उनको केयर की ज़रूरत है, वेंटिलेटर्स की ज़रूरत है, उनको ऑक्सीजन की ज़रूरत है या और भी ज़्यादा कोई डिटेल्ड केयर की ज़रूरत है, तो आपस में एक दूसरे के साथ सलाह करने का काम होगा। आप जानते हैं कि अभी हमने 2-3 दिन पहले ही देश की जो टेली मेडिसिन की पॉलिसी है, टेली मेडिसिन की जो गाइडलाइंस हैं, उनको भी जो है देश के सामने रिलीज किया है, उसको भी पब्लिक डोमेन में ले आए हैं और वो एप्लीकेबल हो गई है। अभी लॉकडाउन के कारण बहुत सारे मरीज अस्पतालों तक नहीं पहुंच सकते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी उनको डॉक्टर से एडवाइस चाहिए, अपनी जो दवाई खा रहे हैं उसके बारे में एंडोर्समेंट चाहिए, दवाई के कारण कोई परिवर्तन की ज़रूरत है, उनको तकलीफ़ हो रही है तो एडवाइस चाहिए, तो अस्पतालों में ना उनको जाना पड़े तो वो टेलीमेडिसिन के माध्यम से भी जो है टेलीफोनिक एडवाइस ले सकते हैं। एम्स दिल्ली के साथ मिलकर हम नेशन वाइड ऑनलाइन पद्धति को इस्तेमाल करते हुए ट्रेनिंग कर रहे हैं। उसके तहत ही डॉक्टर्स के साथ साथ नर्सिंग अधिकारियों की ट्रेनिंग भी अगले 5-7 दिनों में एम्स द्वारा पूरे देश में आयोजित की जाएगी, जिसमें कि कोविड सस्पेक्टेड पेशेंट्स के बारे में उनको कैसे मैनेज किया जाए, उनको कैसे फॉलोअप किया जाए, उसके बारे में गाइडेंस दी जाएगी। इसी के तहत आज माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी ने भी एम्स दिल्ली में एक COVID-19 से रिलेटेड 24/7 राष्ट्रीय टेली कंसल्टेशन केंद्र, उसका उद्घाटन किया है। इस केंद्र के द्वारा हॉस्पिटल्स और मेडिकल कॉलेजेस के जो डॉक्टर्स हैं, उनको एम्स के डॉक्टर्स के द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंस, स्काइप और व्हाट्सएप, अन्य डिफरेंट मोड ऑफ कम्युनिकेशन जितने भी हैं, इनके थ्रू वो क्लिनिकल गाइडेंस इन डॉक्टर्स को प्रोवाइड कर पाएंगे।